कब से ढूंढ रहा था। ये शो बहुत ही बढ़िया है। जैसी तुम हो। लगता है तुम आज बहुत ही खुश हो किसी बात पर। हाँ, मेयर ने मेरी राय मान ली, वो शहर के लिए कुछ और बेहतर करने वाले। मैगी, अब ऐसा करो कि तुम ये खा क्यों नहीं लेती हो। शॉन कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं है? नहीं तो? मुझे लगा तुम्हारे साथ गया है। जब तुम स्नैक्स लेने गए थे वो तुम्हारे पीछे गया था ना? वो मेरे साथ नहीं आया। शॉन, शॉन, शॉन। शायद वो हमारी आवाज सुन ले। उसे पता है कि वो खो जाता है। 2 साल पहले भी ऐसे ही खो गया था वो। जाओ जाके ढूंढो। हटिए जरा, जाने दीजिए, मेरा बेटा गुम हो गया। क्या हुआ बेटे, तुम ठीक तो हो? मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे डैडी खो गए हैं ना। अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें ढूंढने में मदद करूं। तो फिर चलो, अब तुम इसके ऊपर चढ़ जाओ। संभल कर बेटे। हाँ, अब खड़े हो जाओ। हाँ, अब खड़े होकर डैडी को ढूंढो, उन्हें इशारा करो। Hey, तुम बिल्कुल स्टैचू ऑफ लिबर्टी लग रहे हो। शॉन, शॉन, डैडी, शॉन, कहाँ हो? इधर देखिए डैडी, वो रहे मेरे डैड। अच्छा? ओ, तुम इस तरह कहाँ चले गए बेटे? हम कितने परेशान हो गए। तुम्हारी माँ कितनी डर चुकी थी जानते हो तुम? जैसे मैंने आपको डरा दिया है ना डैड? मेरे बेटे को ढूंढने के लिए शुक्रिया, नहीं तो इतने बड़े मेले में कौन किसका ख्याल रखता है। सो तो है। मैं निक ब्रॉड, माइकल स्पार्क्स। हाय। देखिए, मुझे लगता है कि हम पहले भी कहीं मिले हैं। आपका चेहरा, तुम क्या कभी आर्मी या कहीं और? हाँ? नहीं नहीं, उन्हें मेरी जरूरत कभी नहीं पड़ी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम कहीं पहले मिले हैं। हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं। आप कभी हमारे यहाँ आइए ना, ये मेरे घर का नंबर है। जब भी दिल करे आप मुझे फोन कीजिए और आ जाइए, ठीक है? बेटे को ढूंढने के लिए फिर से शुक्रिया, जरा इसकी माँ के पास पहुँचा दो, बेचारी परेशान हो रही होगी। मैं चलता हूँ। तो अब मैं उड़ना चाहता हूँ। उड़ना चाहते हो, उससे क्या होगा? क्या बेटे, तुम्हें तो खो जाने की आदत सी पड़ गई है, तो ऐसे में घर कैसे वापस आओगे? ऊपर से तो मैं सब कुछ देख ही सकता हूँ ना। ओ, ये बात है, तो तुम उड़ना ही चाहते हो? हाँ, मैं उड़ना चाहता हूँ। तो फिर उड़ो मेरे बेटे। Happy birthday to daddy, happy birthday to daddy.
साथ में फूंक मारो। आपने क्या मांगा? यही कि मैं तुम दोनों को कभी ना भूलूं। किसी दो बेटे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू आनी, मुझे केक पसंद है, लवली। अच्छा है? लो। बढ़िया। आई लव यू। आई लव यू टू। शॉन जाकर प्रेजेंट्स लाओ। लाता हूँ। प्रेजेंट्स? प्रेजेंट तो ये बात है। क्या? लेकिन मेरा प्रेजेंट तो। रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। मैं जानता हूँ कि आप पहले इसे उड़ाते थे डैडी, ये बहुत ही अच्छा है। लग तो ऐसा ही रहा है, वाकई में अच्छा है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? मुझे लगा कि हम लोग इसे पहले बनाएंगे और उसके बाद दोनों मिलकर खेलेंगे। हाँ जरूर, क्यों नहीं खेल सकते। तुम्हें पता है हेलीकॉप्टर्स मुझे बहुत पसंद है। डैड, आप मुझे सच में इसकी सैर कब करवाएंगे? सच में हेलीकॉप्टर की सैर? शॉन, तुम्हारे डैडी आजकल हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाते। थैंक्स। इतना उदास नहीं होते बेटे, हम इसे बनाकर सैर की कल्पना करेंगे। राइट मैं इसे पढ़ लूं? मैं जाकर जंबो को लाता हूं। ठीक है, ले आओ बेटे। जंबो को देखिए। ये मेरा को-पायलट है डैड। और अब तुम दोनों बाहर जाकर खेलो बेटे। हाँ कम ऑन जंबो, चलो कम ऑन। इस वक्त के एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से विदेशी ऋण योजना में कई बदलाव आ गए हैं। म्यूजिक बंद कैसे हो गया? इस बात को मद्देनजर रखते हुए आज एक विशेष सभा में क्या तुम चैनल को चेंज कर दोगे प्लीज? इस वर्ष पिछले वर्ष के घाटे का बोझ उठाना पड़ेगा, जिसके कारण देश को इकोनॉमिकल क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। इस तरह की न्यूज सुन सुनकर कान पक गए। ओहो, समाज विरोधी तत्वों को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जब देखो एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहते हैं। राष्ट्र को इस वजह से काफी अंदरूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नेताओं का कैसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इस तरह की न्यूज सुनकर हमें क्या मिलने वाला? मॉम बहुत गुस्सा कर रही हो। शॉन तुम जंबो को लेकर अपने कमरे में जाओ और दूसरा हेलीकॉप्टर बनाओ। हाँ कम ऑन जंबो, कम ऑन, कम ऑन जंबो, कम ऑन, कम ऑन जंबो। मुझे ऐसा लगा कि आवाज मैंने पहले भी सुनी है। सुन सकते हो, क्यों नहीं। आखिर ये सेनेटर आजकल बहुत लोकप्रिय है, उनकी आवाज हर कोई सुनता रहता है। हाँ तुम ठीक कह रही। लगता है तुम हमारे साथ होकर भी नहीं हो। मैगी, मैंने तो बस इतना ही कहा कि मैं इस आवाज को पहचानता हूँ। हो सकता है। मुझे आजकल तुम्हारे बारे में बहुत फिक्र होने लगी है। फिक्र तो मुझे भी है। हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं, 5 साल का हमारा बेटा है। मुझे याद नहीं हम कब मिले, हमारी पहली किस भी याद नहीं है, और अपनी शादी का दिन भी याद नहीं है, ना ही अपना हनीमून और ना ही अपने बेटे का जन्मदिन। अगर तुम याद करना चाहते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बताकर तुम्हें याद दिला सकती हूँ। अपनी याददाश्त लाने के लिए तुम्हें खुद कोशिश करनी होगी। मैगी देखो, मैं अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर लॉन्ग मेरे एक्सीडेंट के 5 साल से मेरा इलाज किए जा रहे हैं, लेकिन आज तक मैं अपने अतीत को याद नहीं कर पाया, और देखा जाए तो मैं अपने वर्तमान से खुश हूँ। ये भी अजीब बात हुई, कल रात के आतिशबाजी के मेले में किस आदमी ने शॉन को ढूंढ निकाला? वो माइकल। उसने कहा कि वो मुझे पहचानता है, और देखा जाए तो उसे अपनी बातों पर पूरा यकीन था। और सच में मैं खुद पूरी रात सो नहीं पाया। मैं रात भर उसकी बातों को सोचता रहा, लेकिन जाकर भी कुछ सोच नहीं पाया। मतलब तुम कश्मकश में हो?
मैगी, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता। बात सुनो निक, इन सब बातों पर सोचना छोड़ दो। अतीत को कुरेदना क्यों नहीं छोड़ देते तुम? वर्तमान में जीने की कोशिश करो, नहीं तो शॉन और मुझे भविष्य के बारे में सोचना होगा। मैगी देखो तुम, मैं तो बस ये जानने की कोशिश कर रहा कि तुम्हारे डैडी होंगे। आज सुबह उन्होंने फोन किया था कि तुम्हें और शॉन को वो फिशिंग पर ले जाना चाहते हैं। तुम बैठे रहो, मैं दरवाजा खोलता हूँ, आज मेरा जन्मदिन जो है। ओ डैड। हाय निक, तो मैं सरप्राइज देने चला। थैंक यू। क्या मेरे लिए है? हाँ बिल्कुल, ये आपके लिए। और बहुत बढ़िया, और ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। हेलो। हाय। प्रेजेंट लाने की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं लाता, मेरे बेटे का जन्मदिन जो है। ए, मेरा पोता कहाँ है? शॉन, शॉन जल्दी आओ। अब तुम लोग यूं ही वक्त बर्बाद करते रहोगे या फिशिंग पर जाने के लिए? अभी हो जाता। अरे वो क्या है, हेलीकॉप्टर? चलो बिल्कुल दिखाऊंगा दादाजी। तुम भी चलो ना हमारे साथ। नहीं, आज तुम तीनों का दिन है, वैसे भी मैं फिशिंग पर जाकर क्या करूंगी। मैगी, मेरे ख्याल से तुम बहुत अच्छी हो। देखिए दादाजी, यहाँ पर ना सब कुछ लिखा है। मैंने आप लोगों के लिए कुछ सैंडविचेस पैक कर दिए। ओह बहुत बढ़िया, थैंक यू। सैंडविचेस, वाह, आज का दिन तो बहुत बढ़िया बीतेगा। हेलो निक ब्रोडी। हाँ, मेरा नाम रॉबर्ट्स है। आप कल रात मेरे दोस्त माइकल से मेले में मिले थे। मैं चाहता हूँ कि हम लोग कहीं पर मिले, क्योंकि एक बेहद जरूरी मसले पर बात करनी है। हाँ क्यों नहीं, मैं खुद ही उन्हें फोन करने वाला था बियर पिलाने के लिए। मिस्टर ब्रोडी, मैं समझता हूँ कि ये आपकी जिंदगी की सबसे अहम बातचीत होगी। मजाक तो नहीं है? नहीं, ये मजाक नहीं है। आप कौन है? मैं असल में एक बस ड्राइवर हूँ निक। 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में मेरी याददाश्त चली गई। हाँ एक बात और है, मेरे अंकल अचानक आपसे टकरा गए और आपसे मिले। वो निक, किसका फोन था? I'm sorry, मुझे एक जरूरी काम याद आएगा, इसलिए मुझे आज मैं आप लोगों के साथ नहीं जा पाऊंगा। हमारी फिशिंग का sorry, Dad, अगर हो सके तो अगले हफ्ते चलते हैं ना? अगले हफ्ते तो मुझे बाहर जाना है। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। थैंक्स थैंक्स प्रेजेंट के लिए। माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम दोनों की जान खतरे में है। अच्छा? हाँ। माइकल गन, हमने बेहतर नहीं समझा कि हम दोनों एक ही साथ एक जगह पर मिले। क्या मजाक है? नहीं, ये मजाक नहीं है, हमें एक दूसरे की जरूरत है ये जानने के लिए कि हम क्या जानते हैं। बहुत ही नाटकीय लग रहा है। आखिर बात क्या है, क्या कोई स्कैम है? मेरे पास अगर रुपए है तुम्हें लगता है तो मेरे पास कोई रुपए नहीं। बात ये नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को जानते मेरी बात हैं। सुनो, मैं जिन लोगों को जानता हूँ उनमें से तुम नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। हम दोनों एक दूसरे को सिर्फ जानते नहीं है बल्कि हमारी जान भी खतरे में है। हाँ, हमने एक ही दिन में याददाश्त खोई थी 5 साल पहले। यही बात माइकल के साथ भी हुई। सुनो दोस्त, बात क्या है? तुम इस तस्वीर को पहचानते हो? क्या ये वही हेलीकॉप्टर है जिसे तुमने क्रैश किया था? इस क्रैश में तुम्हें जरा भी खरोचे नहीं आई थी। क्या चाहते हो? इस तस्वीर को देखो। कम ऑन निक, तुम इस हेलीकॉप्टर को जानते हो। इस तस्वीर को अच्छी तरह देखो।
क्या तुम्हें यकीन हो सकता है कि तुम इस तरह क्रैश से बच सकते हो? लेकिन किसी बगैर चोट के। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरी याददाश्त वापिस आ गई है, तुम्हें पता है क्या सोचता हूँ मैं? क्या हुआ? हम दोनों पर कोई नजर रख रहा है ना? तुम्हें तो यही लग रहा है ना? बिल्कुल देखो, ये मजाक बिल्कुल नहीं है। मैं जानता हूँ हम लोग चार थे, चार लोग थे, समझ गए? हम लोग स्पेशल ऑपरेशन पर थे। तुम्हारा तो खून बह रहा है। हाँ, तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। इससे पहले तुम्हें बस के पीछे छिपना है। मैं जाकर पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं, मत जाओ, गोली चला रहे हैं। ये लोग हैं कौन? मैंने कभी इन लोगों को करीब से नहीं देखा। बेहतर होगा कि हम लोग अलग हो जाएं। तुम हेलीकॉप्टर से जाओगे और मैं बस से। याद रखना नवास्का। नेब्रास्का? हाँ, जाओ। लेकिन देखिए, मेरी बात सुनिए आप। सुनिए, उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की। वो एयरपोर्ट पर उन लोगों ने एक व्यक्ति को मार डाला। ओके, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आप वहाँ पर बैठ जाइए, मैं डिटेक्टिव विलियम्स को कहती हूँ, आपसे बात करेंगे। सुनिए, मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ था। क्यों? वो लोग एयरपोर्ट को लाना चाहते थे। राइट, ये भी यही करे। ये सच है। मैं समझ गई, तो आप भी वहाँ एयरपोर्ट पर थे जब मार्शल आए थे। आप बैठ क्यों नहीं जाते सर? माफ कीजिएगा सर, क्या आप यहाँ एयरपोर्ट हादसे की रिपोर्ट लिखवाने आए हैं? हाँ, मैं वो। मैं डिटेक्टिव विलियम्स हूँ, आप जरा यहाँ पर आएंगे? आपकी तारीफ। निक ब्रॉडी। क्या आप ब्रॉडी में वाई लगाते हैं, मिस्टर ब्रॉडी? हाँ, क्या बात है? आप मुझे बताएंगे क्या हुआ? मैं किसी से बात कर रहा था।
और मुझे उसके दोस्त माइकल का इंतजार था, और वो माइकल से मैं आतिशबाजी के मेले में मिला था। मैं रॉबर्ट से बात कर रहा था कि सब कुछ अचानक घट गया ना। क्या वो मारा गया ना? हाँ। फिर आगे हम बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक हेलीकॉप्टर आया और हम पर गोलियां चली गईं। क्या आप मुझे ये बताएंगे कि उस आदमी के साथ आपका क्या संबंध था जो मर गया? मुझे पता नहीं। अच्छा हाँ, तो फिर उसने अपना नाम बता कुछ बताया था? रॉबर्ट्स। मिस्टर ब्रॉडी, मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक सुबह 11:20 पर एक बस ड्राइवर अपना नियंत्रण खो बैठा और एयरपोर्ट के फ्यूल ट्रक से टकरा कर अपनी जान गवा बैठा। क्या आप उसी गोलियां तो हेलीकॉप्टर? इस रिपोर्ट में हेलीकॉप्टर के बारे में कुछ नहीं है। उस बस ड्राइवर का शरीर इतना जल गया है कि उसे पहचानना बहुत मुश्किल है। मैं आपको बता दूं कि हमारी खबर के मुताबिक जो आदमी बस चला रहा था वो एक स्थानीय गैंगस्टर था। अब आप और आपके दोस्त किस विषय पर बात कर रहे थे? दोस्त नहीं था। सुनिए, मुझे याद है कि उन लोगों ने उसे गोली मारी, मेरे सामने मारी, और आप ये कह रहे हैं कि वो हम जो कह रहे हैं वही हुआ मिस्टर ब्रूडी, ऐसा ही हुआ है, और ये बात बिल्कुल सच है। मैं आपको सब बताता हूं। मेरे ख्याल से आप किसी ट्रक डीलिंग के बीच में फंस गए थे। ड्रग्स नहीं था, मैं वहां था डिटेक्टिव। मिस्टर ब्रूडी प्लीज, मेरा अनुमान यह है कि आप ये नहीं जानते थे कि वहां पर क्या चल रहा था, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप अभी घर जाएं और गर्मा गर्म पानी से नहाकर रिलैक्स कीजिए प्लीज। सुझाव के लिए शुक्रिया, माफ कीजिएगा आपका वक्त बर्बाद किया। मिस्टर ब्रूडी, कल रात के आतिशबाजी के मेले के कारण आपके दिमाग पर असर पड़ सकता है। मेरा सुझाव है कि आप किसी की सलाह ले लें। कैसा लग रहा है अब? बात करो मुझसे। वो आदमी मुझे हेलीकॉप्टर क्रैश के बारे में बताता है, तो मुझे हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, मुझे नाव नहीं दिखाई देती, लेकिन नाव के बारे में कुछ याद नहीं। एक बोट? मुझे एक आवाज सुनाई देती है, अजीब सी, बिल्कुल अजीब सी। जानती हो, मुझे खुद ही लगने लगा है कि मैं सचमुच में पागल होने लगा हूं। क्या मैं पागल तो नहीं? मैं तुम्हें बिल्कुल पागल नहीं मानती हूँ, और मुझे लगता है कि वाकई तुम्हारे साथ कुछ हुआ था, लेकिन तुम्हें कोई नुकसान क्यों पहुंचाएगा? कुछ तो मेरे अतीत में घटा है, मुझे उस अतीत के बारे में पता करना है। क्या अतीत में क्या हो सकता है? देखो, रॉबर्ट्स ने कहा कि वो मुझे जानता है, और माइकल भी। हम लोग किसी स्पेशल ऑपरेशन टीम में थे। हनी, अब मुझे भी डर लगने लगा है। मैं तुम्हें कितने दिनों से जानती हूँ, और मैं इतना जानती हूँ कि सिर्फ तुम एक ही टीम में थे, वो बेसबॉल टीम था। क्या? मैं तस्वीरें दिखाऊं तुम्हें? बात वो नहीं है, ये झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे था, और अब तुम्हें लगता होगा कि मेरी दिमागी पजल है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उन लोगों ने मेरे सामने उसे मारा, और अब मुझे। ठीक है, अगर तुम्हारी बात मान भी ली जाए तो थोड़ा रुक कर देखते हैं कि पुलिस इस मामले में क्या करती है। पुलिस? हाँ पुलिस, माइकल मिल जाता तो, अगर वो मिल जाए तो शायद। तुम्हारा मतलब पुलिस को छुपा रही है? हो सकता है। निक, मेरी बात सुनो, खुद पर यकीन करो। तुम जो कह रहे हो वो सही है, तो तुम्हें किसी साजिश में फंसाया जा रहा है। पुलिस, रॉबर्ट, माइकल, और अगर ये तुम्हारा भ्रम है तो डॉक्टर लोन से जाकर क्यों नहीं बात करते? दोबारा मैगी, ऐसी बातें मत करना मुझसे, मैं पागल नहीं हूं। जब तुम डॉक्टर लोन से पहली बार मिलने गए थे तो उन्होंने कहा था तुम्हारे जैसे केस में सिर्फ दो बातें हो सकती। वन, तुम इस इलाज से अपने अतीत को भुला दोगे। टू,
सब कुछ भुलाकर तुम अपने वर्तमान में जीने लग जाओगी। लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। दवाई लोगे? मैगी वो मैं तुम नहीं समझोगे कि हम पर क्या बीत रही है। तुम अपने आप को सुलझन से क्यों नहीं निकाल लेते हो? देख, तुम्हें मदद चाहिए। मदद? हाँ, क्यों नहीं, ये दवाइयां करेंगे। तुमने क्या कर डाला? मैं चुपचाप यहाँ खड़े रहकर अपने परिवार को बिखर तो नहीं देख सकती हूँ, समझ गए तुम? मैगी, मैगी। शॉन, कुछ नहीं बेटे, हम तो बस यूं ही। हाँ बेटे, मिस्टर ब्रूडी। रेबेका, मुझे नहीं लगता डॉक्टर लोन के साथ आपका अपॉइंटमेंट है। क्या वो अंदर है? वो लेकिन मिस्टर ब्रूडी। जानता हूँ, लेकिन डॉक्टर लोन, बगैर अपॉइंटमेंट के आने के लिए माफी चाहूंगा, बहुत जरूरी है। मिस्टर ब्रूडी, इस वक्त मैं दूसरे मरीज के साथ हूँ, आप जरा बाहर इंतजार कीजिए, मैं थोड़ी देर में आपसे बात करता हूँ। ये बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं डॉक्टर, मैं फिर आ जाऊंगा। तो चलता हूँ। ठीक है माइकल, तुमसे अगले हफ्ते मिलता हूँ, आज के लिए माफ करना। नहीं, कोई बात नहीं डॉक्टर, आप भाग्यशाली हैं कि आप अच्छे डॉक्टर के पास आए हैं, उस पर भरोसा मत करना। हमारे पास 15 मिनट हैं, बैठ जाओ। तो निक, ऐसी क्या जरूरी बात है कि तुम बगैर इजाजत मेरे कमरे में घुस आए जबकि मैं दूसरे मरीज के साथ था? मुझे आपसे बात करनी थी। तुम तो महीनों से मुझसे नहीं मिले, मैगी ने कहा कि तुमने दवाइयां लेनी भी छोड़ दी हैं। आपने उससे कब बात की? उसे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। जानता हूं, ये उसके लिए स्वाभाविक है। मुझे कुछ याद नहीं, मेरे अतीत का पता नहीं, मेरे साथ क्या हुआ था, अतीत के बारे में जानना चाहता हूं मैं। तुम्हारे सर पर जबरदस्त चोट लगी थी। जबरदस्त चोट सर पर? अभी मैंने एक तस्वीर देखी अपनी, हेलीकॉप्टर क्रैश की, फिर मैं कैसे बच पाया? बताइए डॉक्टर, मुझे, मैं मरा कैसे नहीं? तुम बहुत भाग्यशाली थे, तुम्हें अपने जिंदा रहने पर अफसोस नहीं होना चाहिए। अब जैसी चोट तुम्हारे दिमाग पर लगी थी उससे भ्रम होने की संभावना रहती है, तुम्हें क्या भ्रम है? कोई मुझे मारना चाहता है और पुलिस वाले मुझ पर यकीन नहीं कर रहे हैं। मैंने सुना है। सुना? हाँ, डिटेक्टिव विलियम्स ने मुझे फोन किया था। देखो, तुम्हारा नाम एमनेसिक मरीज के रूप में दर्ज है, उन्हें पता चल गया है कि मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ। फिर उन्होंने आपसे क्या कहा? सब कुछ। दुर्भाग्यवश पुलिस वाले मैमनेसिक मरीजों पर यकीन नहीं करते हैं। आप क्या सोचते हैं, मुझ पर यकीन है? बिल्कुल यकीन है, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूं। आपको मुझ पर यकीन है? बिल्कुल यकीन है। देखा जाए तो सही इलाज के अभाव में ये भ्रम संगीन समस्या बन जाता है। अब मुझे जाना होगा। नेक, मेरी थेरेपी का पहला स्टेज तुमने करीब करीब खत्म कर लिया है, अब अगर तुम चाहो तो हम फाइनल स्टेज पर आ सकते हैं जिससे तुम्हारे अतीत की पुरानी कड़ियां जुड़ जाएंगी। मुझे कुछ पता नहीं। 3 दिन का संपूर्ण इलाज जिसमें सम्मान भी शामिल है, तुम्हारे इंश्योरेंस वाले इसका खर्चा उठाएंगे।
क्या यह फायदेमंद होगा? मुझे पूरा यकीन है। सोचकर बता दो। और एक बात है, मेरा एक मरीज है जो कि पहले पुलिस में था, उसे भी मेमनीजिया की वजह से नौकरी छोड़नी पड़ी। मेरा ये सुझाव है कि तुम उससे दूर ही रहना, समझे तुम? क्या आप उसके बारे में कह रहे हैं जो अभी अभी यहां से गया? मैं उससे पहले मिल चुका हूं। और तुम जाओ नेक, मुझे उम्मीद है कि हम अगले हफ्ते मिलेंगे। जी सॉरी, आज मैं बात सुनिए मिस्टर ब्रूडी। रेबेका, सॉरी इस तरह मैं घुसा था। आपके लिए एक मैसेज है। माइकल स्पार्क्स आपसे ब्राउनीज में मिलना चाहते हैं जो 42 मेडिसन के कोने में स्थित है। ठीक है, ओके। और ये एनवेलप आपके लिए। थैंक्स। Excuse me, मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ। 6 फीट लंबा है, नाम माइकल है, उसे देखा आपने? नहीं। यहाँ इंतजार करूँ? इंतजार तो पीना पड़ेगा। बियर। किसी को देश के हित के लिए इतना फिक्रमंद देख रहा हूँ, ये मेरी पसंद का आदमी है। मैं तो अपना वोट ऐसे ही दूंगा। हाँ। ये आजकल बहुत लोकप्रिय है ना? बिल्कुल, पहले CIA में थे, 3 बार वियतनाम जा चुके हैं। अगर एक बार सत्ता में आ गए तो देश की काया पलट कर रख देंगे। क्या ये नेब्रास्का से है? नो, बरोम से। सुनिए, छुट्टी तो लेते जाइए।
नेब्रास्का। कहाँ जाएंगे साहब? मेडिसिन, मेडिसिन ले लो तुम। आप वहाँ कैसे जाएंगे? सावधानी से। समझ गया साहब, मेडिसिन। क्या कहा तुमने? मेडिसिन साहब। मेडिसिन नहीं, मेडिसिन। अब एक ही बात हुई। मेडिसिन। बहुत बढ़िया, मेडिसिन स्क्वायर गार्डन। चलते चलते कुछ बातें करते हुए चलते हैं साहब। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, क्या कहना इस शहर का, कमाल का शहर है साहब। क्या इतनी तेज रफ्तार है यहाँ की। ओए ध्यान से चलाया बंदे। बहुत ही निराला शहर है साहब, कुछ भी कहो, शहर में किसी को किसी की कोई चिंता नहीं है साहब। म्यूजिक तेज करूं क्या? कमाल का शहर है साहब, खाओ कमाओ और ऐश करो सर। वैसे सर कमाल का शहर है ये, मेरे को बहुत ही पसंद है। एक बात बताओ साहब, आपके यहाँ साल में कितनी बार पहली जुलाई मनाते हैं? माफी चाहता हूँ वैसे। पहले नहीं, चौथी जुलाई। अच्छा, एक ही बार। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि देखिए ना, आतिशबाजी कितनी मारी। जल्दी भगाओ, बात कर रहे हैं साहब, जल्दी करो तुम, जल्दी करो। कि चौंधियां गई हैं रोशनी से, लेकिन आप घबराओ मत साहब, मेरे रहते आपको कुछ नहीं होने वाला। पैसेंजर के लिए अपनी जान भी हाजिर है, जान भी हाजिर है महाराज अपनी। आप चिंता मत करो महाराज, आपको कुछ नहीं होने देंगे हम। हाँ कोई जान है तो जहान है, भागो। तुम लोग मुझसे खेलना चाहते हो तो मेरा खेल भी देखो। ओ बेटा, क्या बात है, इतनी रात गए?
डैड दरवाजा लॉक कर दीजिए। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या नहीं हुआ? मैं टैक्सी में जा रहा था, वो लोग पीछे से आकर गोलियां चलाने लगे, बाल बाल बच गया। ड्रिंक लोगे क्या? डैड डैड आप तो जानते ही होंगे कि मैं कौन था, क्या करता था। हेलीकॉप्टर क्रैश के पहले मैं क्या करता था बताएंगे? बताऊंगा। क्या मैं आर्मी में था? आर्मी? तुम तो खून देखते ही भागते थे। ये क्या है? ये तो आप बताएंगे। ये तो हेलोइन है। तुम लोगों ने हेलोइन के लिए ऐसे कपड़े पहने थे? हेलोइन? हेलो विल, डैड पिछले 2 दिनों में इस तस्वीर में से 2 लोगों का खून हो चुका है, मैं शायद तीसरा हूं। नेक, जब से तुम्हारी मां मरी है तब से सिवाय तुम्हारे, मैं की और शॉन की मेरी जिंदगी में कोई नहीं। उसे भूल जाने तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे डर है कि वो मुझे मार देंगे। मैगी, जो एक आदमी चाहता है, बीवी और बच्चा जो तुम्हें बेहद चाहते हैं, लेकिन तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। अब क्या किया जा सकता है? अगर तुम उन्हें फिर से देखना चाहते हो तो फेरी से सिग्मा बिल्डिंग पर जाओ। रुको, पहला माला, बात सुनो। मेरा परिवार, तुम कैसे?
मैगी। आपका स्वागत है ब्रॉडी। आप कौन है? जेफरसन, एफबीआई डायरेक्टर। मैं यहां कैसे आया? आप शायद ये भूल गए हैं कि आप हमारे साथ काम कर चुके हैं। मेरा परिवार कहां है? आपका परिवार सुरक्षित है। मुझे मेरा बेटा और बीवी वापस चाहिए, बस और कुछ नहीं। मेरा यकीन कीजिए, आपका परिवार ठीक है। नेक, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। ये तो मैं हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम इस बात पर पूरा ध्यान दे रहे हो। नेक, तुम सबसे काबिल हो। लोग आज भी तुम्हारे बारे में बात करते हैं। तुम्हें आखिरी मिशन पर कॉम्बो भेजा गया था, लेकिन वहां पर सब कुछ पूरी तरह से गड़बड़ हो गया था। अब क्या चाहते हैं मुझसे? तुम में एक आग है, तुम कर सकते हो। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी फाइल चाहिए। तुम लोगों ने अब तक उसे दुनिया की नजरों से बचा कर रखा, लेकिन अब मामला कुछ ज्यादा ही उलझ गया है। इसलिए इस बार जरा सोच समझ कर काम लेना होगा। अब तुम मुझे वो फाइल दोगे? मुझे कुछ भी याद नहीं है, मेरी याददाश्त जा चुकी है। हमें इस बात की आशंका है कि तुम अपनी फाइल प्रेस को दोगे, वो भी वाशिंगटन के अटॉर्नी के सामने। इससे हमें यकीन हो गया है कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ चुकी है, जो कि चली गई थी। जेफरसन, मुझे मार दो, क्योंकि पलड़ा तुम्हारा भारी है। हेलो निक। मैगी, मैगी, कैसे हो तुम? तुम इनके लिए काम करती हो? अभी नहीं करती। झूठ बोल रही हो। 5 साल मेरी बीवी बनकर रही, हमारे ही घर में। जो ये मांग रहे उन्हें दे दो प्लीज। जो मांग रहे वो मैं दे दूं। जो मांग रहे वो दे दूं।
तुम झूठ बोलती रही और 5 सालों तक मेरे साथ नाटक किया। तुम 5 सालों तक चुपचाप सब कुछ देखती रही और मुझे कुछ एहसास तक होने नहीं दिया। अब मुझे नींद से जागना होगा ताकि मैं कुछ याद कर सकूं। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। अब बोलो क्या इरादा है। देखो अगर मेरे बेटे के साथ कुछ हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं, जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। बात इतनी आसान नहीं है निक, तुम इतनी आसानी से नहीं बच सकते। इसके पास तुम्हारे खिलाफ कई सारे सबूत हैं। ये तो सब मेरा बनाया हुआ ऑपरेशन था। नहीं, वो तो अतीत था, अभी तो शुरुआत है। निक, प्लीज, शॉन सुरक्षित है, लेकिन तुम कुछ बातें समझते नहीं हो। मैं सब समझता हूँ, जैसी तुम दिखती हो वैसी हो नहीं। नहीं, वो तुम थे जो हर चीज को सीरियसली ले रहे थे। मेरे डैडी को भी ले आए, खुद ही देख लो। डैड, मुझे माफ करना, आई एम सॉरी। आप भी। बेटे, मैं भी उन अनगिनत हॉलीवुड के बेरोजगार अभिनेताओं में से हूँ। मैंने कितने ऑडिशन दिए लेकिन सिलेक्शन इन लोगों ने किया। ये आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन अभिनय था। मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। तुम अच्छे इंसान हो, मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन मुझे माफ कर दोगे। इतनी जाने क्यों ली गई? क्योंकि उस हादसे का बुरा असर तुम्हारे साथियों पर भी होने लगा था। तुम सब भूल चुके थे, इसलिए तुम्हें नई पहचान दी गई। मैं हत्यारा नहीं हूं, पर जेम तुम सबसे काबिल हो, समझे कुछ तुम? जेम, कौन है जेम? ओ स्वीटहार्ट, वो तुम ही हो। तुम पहले जिम वाइफ थे, अब तुम निक ब्रोडी हो, मेरे पति। अपने अतीत को भुला दो, वो बहुत गलत था, हम गलत धंधे में थे। तुमने ठीक कहा, तुम हत्यारे नहीं हो। तुम्हें साइमंस ने अपॉइंट किया था इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए। कोई नहीं, यहां तक कि शॉन को इस बारे में पता नहीं था, लेकिन हमारा एक परिवार है। अच्छा ही ना सही, पर इस परिवार को मैं बिखरने नहीं दूंगी, इसलिए जो ये चाहते वो दे दो। ठीक है, शॉन कहां से आया? शॉन हमारा बेटा है, हमारे शादी को 9 साल हो गए। हमारी मुलाकात यहां एजेंसी में हुई थी। मम्मी मम्मी, आप यहाँ हैं? ओ डैडी, शॉन मेरे बेटे। आपको जाकर वो हेलीकॉप्टर देखना चाहिए। हाँ, आते वक्त मैंने देखा है उसे। नहीं बेटे, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं बेटे, मैं अभी नहीं आ सकता, मुझे इन लोगों से बात करनी है। एक बात कहूँ? क्या? आई लव यू टू। अब तुम जाकर खेलो। मैं वादा करता हूं,
आप लोगों का साथ दूंगा। थैंक्स। पर मुझे सबूत चाहिए कि ये लोग घर पहुंच गए हैं। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। एक हेलीकॉप्टर जाने के लिए बाहर खड़ा है, बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद सब अपने अपने रास्ते। निक, हम तुम्हारे इंतजार करेंगे, शॉन और मैं। बहुत बढ़िया रहा सब कुछ। मेरी बात ध्यान से सुनो तुम, अगर मेरे पति को कुछ हुआ ना तो तुम और तुम्हारे डिपार्टमेंट को भुगतना पड़ेगा। मेरी बात समझ के ना तुम। Hey brother, मेरा इरादा बदल गया। वो भाग गया। इसकी वजह से हम मुसीबत में आ सकते हैं, इसे किसी भी कीमत में पकड़ना होगा। जल्दी करो तुम। हम कोशिश कर रहे हैं। अरे क्या बेकार का पंप है, इधर कुछ है भी नहीं।
सब कुछ अपने आप ही करते रहो, पता नहीं सब कहाँ चले गए सब। आपकी गाड़ी चाहिए। निकलो मेरी गाड़ी से, निकलो। अरे अरे बच्चा, अरे क्या कर रहे हो, क्या जबरदस्ती लगा रही थी आप? अरे क्या बात है, आखिर वहां चल क्या रहा है? बात सुनो जेफरसन, अगर वो हमारे हाथों से बच गया तो न सिर्फ मैं बल्कि तुम भी फंस जाओगे। उम्मीद करता हूं तुम मेरी बात समझ गए होगे। मैं तुम्हें पहचान गया। अच्छा हुआ मुझे सब याद आ गया। तुम्हें हमेशा मुसीबत मोल लेना अच्छा लगता है। अब उस फाइल के बारे में मुझे सब कुछ याद आ गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसा मत करो। क्यों? क्यों ऐसा क्यों किया तुमने? ऐसे से तुम्हारा क्या मतलब है जिम? अपनी बकवास बंद करो तुम। तुमने हमारे साथ ऐसा किया कि हम अपने परिवार वालों को ही भूल गए। तुमने हमारे साथ खिलवाड़ किया और अभी अनजान बने बैठे हो। तुम अपने आप को अच्छे अमेरिकन कहते हो? ओ गॉड, अपने आप को अमेरिकन कहते हो? हाँ, मैं एक अच्छा अमेरिकन हूं। बकवास बंद करो तुम। मैंने जो कुछ भी किया इस देश के भले के लिए किया। तुमने जो कुछ भी किया खुद की खातिर किया है। तुमने अमेरिकन सैनिकों को मरवाया, तुमने उनकी जिंदगी ली। तुमने मैं व्हाइट हाउस में जा रहा हूं। मेरे ऐसे प्लान्स और सपने हैं जिससे यह देश फिर से महान बन जाएगा। नहीं, तुम मेरे इस काम में बाधा डाल रहे हो। तुम सब कुछ के बारे में इतना जान चुके हो जो कि आम जनता नहीं समझ पाएगी। तुमने मुझे दुखी कर दिया। मैंने तुम्हें दुखी कर दिया? तुमने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। नहीं तो तुम मेरे लिए काम करके अब अच्छा खासा कमा रहे थे। और मैं ये हरगिज मानने को तैयार नहीं हूं जो इतने सालों तुमने हमसे करवाया। अब मैं अपने तरीके से काम करूंगा। यूएसएस नेब्रास्का। ये सब क्या था? हम तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गिरे हुए इंसान,
तुमने अपने आदमियों को मरवाने के लिए चारों तरफ ट्रैकिंग डिवाइसेस और बारूदी सुरंगें लगवा दी। तुम्हारा खेल खत्म, सब खत्म। आज मैं तुम्हें बस एक बात अपनी ओर से कहूंगा। जिम, कुछ मत बोलो। जिम, तुम एक अच्छे सैनिक हो, तुमसे काबिल कोई नहीं। चुप रहो तुम। हम सब तो ऊपर से ऑर्डर का पालन कर रहे थे, हमेशा सबके ऊपर कोई ना कोई होता है। इस बार नहीं, तुम ये बात नहीं कर सकते विंग कमांडर। मैंने वही किया जो मुझे करना था। ओह, हो सकता था कि मैं छोटे पद पर काम करता, पर मैंने ऐसा नहीं किया। ओह, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं हर रात को अपने खोए हुए लोगों के सपने देखता हूं। मैं ये सब अपने देश की रक्षा के लिए कर रहा था। सर, मैं अपने साथियों और शहीद हुए सैनिकों की ओर से आपसे बात करने आया हूं। वो सभी लोग सिर्फ आप पर भरोसा करते थे, आप पर यकीन किया था। सर, तो फिर मुझ पर यकीन करते रहो। मुझे तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई करने का मौका दो। मैं तुम्हारे द्वारा की गई हर कुर्बानी की कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। हम इसे बुरा सपना समझकर भूल जाते हैं। भुला नहीं सकता, क्योंकि ये तुम्हारे लिए आसान है, मेरे लिए नहीं। तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। मुझे अपने किए पर अफसोस है, पर तुमने एक गलती भी की थी जिसकी वजह से नेवी से तुम्हें निकाल दिया गया था। एक गलती की डॉक्टर लॉन ने तुम्हारी देखभाल की थी, एक गलती के बहुत सारे सबूत थे। मैंने डॉक्टर लॉन के जरिए तुमसे वो जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि वो फाइल कहां है। लेकिन दुर्भाग्यवश तुम हमें बता नहीं सके। तुम्हें कल दोपहर तक अपने पद से इस्तीफा देना होगा। सभी खड़े हो जाएं। माननीय जज साहब कोर्ट में पधार चुके हैं। आज की सुनवाई जज इब्राहिम के समक्ष की जाएगी। कार्यवाही शुरू की जाए। ईश्वर यूनाइटेड स्टेट का भला करें और सही न्याय करने में मदद करें। आप कार्यवाही शुरू कर सकते हैं मिस्टर रसेल। योर ऑनर, डीए के दफ्तर का कहना है कि जुलाई 8 को रात 7 से 8 बजे के दरमियान मुजरिम जबरदस्ती मिस्टर मगोय के घर में घुस गए। उसके बाद मुजरिम पर यह आरोप है कि उसने गोली चलाई जिसकी वजह से मिस्टर मगोय जख्मी हो गए।
आप इधर तशरीफ रखिए। मिस्टर ब्रॉडी, आप अपनी पैरवी खुद कर रहे हैं, आप भी इधर तशरीफ रखिए। मिस्टर ब्रॉडी, आज की सुनवाई इस बात पर है कि आप पर मिस्टर महगुई पर कातलाना हमला करने का इल्जाम है। अगर आपका गुनाह साबित हो गया तो आपको अगले 25 साल सलाखों के पीछे काटने पड़ेंगे। क्या आप खुद अपना बचाव करना चाहते हैं? आपके खिलाफ जबरदस्ती घर में घुसकर हथियार से वार करके खून करने का योर ऑनर, मिस्टर ब्रॉडी मेमेंसिया के मरीज भी हैं। ऐसे में वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी का खून भी कर सकते हैं। योर ऑनर, इस तरह के केस में सबको न्याय की ही उम्मीद रहती है। मुझ पर दबाव मत डालो मिस्टर मॉर्गन। मैं तो बस सफाई पेश करने की कोशिश कर रहा था योर ऑनर। आप मुझे अपना काम करने दें, समझे? जी। आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे मिस्टर ब्रॉडी? योर ऑनर, क्या आपको ऐसा लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? मिस्टर ब्रॉडी, अगर मुझे लगा कि आप अपनी सफाई पेश करने के काबिल नहीं हैं, तो कोर्ट आपकी मदद के लिए वकील देगी। और मुझे नहीं लगता कि आप खुद अपनी पैरवी करने के काबिल हैं, तो आप ही बताइए मैं क्या करूं। योर ऑनर, मुझे मिस्टर ब्रॉडी का केस लड़ने की इजाजत दीजिए। योर ऑनर, ये खुद डीए के दफ्तर में अटॉर्नी हैं, ऐसे में ये मिस्टर ब्रॉडी का केस कैसे लड़ सकती हैं? मैं आपको बता दूं योर ऑनर, मैंने आज सुबह इस्तीफा दे दिया है। अब मुझे ये बताइए मैं अपने पति का केस क्यों नहीं लड़ सकती? आपके पति? योर ऑनर, इस केस की सारी फाइल और सबूत इनको आसानी से मिल जाएंगे। आप इन्हें का इस्तेमाल न करके मिस्टर रसल मेरा नाम ले सकते हैं। मॉर्गन, आप जिन फाइल्स और सबूत के बारे में बात कर रहे थे उनके बारे में आपने कोर्ट को नहीं बताया? नो योर ऑनर। तो आप क्या कहते हैं मिस्टर ब्रॉडी, क्या मिसेज ब्रॉडी आपका केस लड़ सकती हैं? योर ऑनर, क्या मैं अपने क्लाइंट से बात कर सकती हूँ प्लीज? आपके क्लाइंट? ठीक है, 3 मिनट के लिए। तो तुम क्या कहते हो, मैं मदद करूं? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती निक, पिछले 10 सालों से हमारी जिंदगी में बहुत उथल पुथल हुआ है, अब मुझे कुछ करने दो। शॉन कहाँ है? वो आया है, बाहर बैठा है। अब तुम क्या कहते हो, मैं क्या करूं? मिस्टर ब्रॉडी, तो आपने क्या तय किया? योर ऑनर, ये है मेरी वकील। बढ़िया, तो फिर अब केस को आगे बढ़ाया जाए। परेशानी में पड़ जाएंगी आप? मैं इसके लिए तैयार हूं। योर ऑनर, हम केस पर तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि मिस्टर मोगोई पूरी तरह से होश में नहीं आ जाते।
क्योंकि पूरा केस उन्हीं पर डिपेंड करता है। और मेरा अनुरोध है कि मुलजिम को बेल पर छोड़ा जाए अगली कार्यवाही तक। क्या बताएंगे कि कितना वक्त लगेगा मिस्टर महोगी को होश में आने में? डॉक्टर्स के मुताबिक पिछले कल किया गया उनका ऑपरेशन कामयाब रहा है और वो अगले 48 घंटों में पूरी तरह होश में आ जाएंगे। मिसेस ब्रॉडी, उनसे ऐसा कहो कि तुम इस बात का ठीक से ध्यान रखना। मैं समझ गई। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मानते हैं कि जुलाई 8 तारीख को मिस्टर मगोहे के घर वो गए थे, लेकिन उन्होंने उन पर गोली नहीं चलाई। योर ऑनर, मिस्टर ब्रूडी और मिस्टर मगोहे एक दूसरे को पिछले 10 सालों से जानते हैं। वो दोनों एक साथ मिलिट्री में थे स्पेशल ऑपरेशन के तहत। मिस्टर ब्रूडी ने खास तौर पर उन्हें बुलाया था और उन्हें कहने दीजिए। थैंक यू। सच्चाई ये है कि उस रात मिस्टर मगोहे खुद अपने आप को खत्म करना चाहते थे। और योर ऑनर, मेरा अनुरोध है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोर्ट को बंद किया जाए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ऐसा कार्यवाही को शुरू करने से पहले ही सोचना चाहिए था। मिस्टर रसेल, अब क्या आप मुझे ये सुझाव दे रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है? क्या आपको नहीं लगता कि आपने ये सुझाव कोर्ट को बहुत देर से दिया है? मिस्टर रसेल, ये कोर्ट इस केस की कार्यवाही के दौरान कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेगा। ये कोर्ट मिस्टर ब्रॉडी की सफाई सुनेगी। योर ऑनर, क्या हम बेंच से संपर्क करें? क्या मैं अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाऊं सर? ठीक है, प्रोसीड कीजिए। क्या कोई मुझे बताएगा कि ये सब क्या है? इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा की क्या बात है? योर ऑनर, आप बोलिए। योर ऑनर, मुझे कोर्ट से थोड़ा वक्त चाहिए। मैं आपको 2 मिनट देता हूं। बहुत पछताएंगे आप। मिस्टर प्रॉडी, आप बैठ जाइए। बहुत बुरा किया है। चलिए। क्या कर रहे थे तुम? मैं उसे छोड़ूंगा। काबू रखो। देखो शांत रहो। कैप्टन कैंपबेल, यूएसएस नेब्रास्का से तुम्हें यह काम मिला? वो मेरा रिश्तेदार है। तब तो जेफरसन गया काम से। हाँ, सो तो है, देखते जाओ। योर ऑनर, प्लीज इस केस के वक्त कोर्ट का दरवाजा बंद रखा जाए। योर ऑनर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा क्लाइंट बेकसूर है। हमारे पास ऐसे कई सबूत है जिससे ये साबित होता है योर ऑनर कि सेनेटर मगोहे ने कई बार मेरे क्लाइंट की जान लेने की कोशिश की है। क्या आपके पास कोई सबूत है? योर ऑनर, बोलिए मिस्टर ब्रॉडी। मेरे पास ऐसी एक फाइल है जिसकी वजह से ये केस एक दिलचस्प मोड़ ले लेगी। ये कोर्ट तो सर्कस बन गया है। मिस्टर रसल, ये कोर्ट आपको दरवाजे के पीछे कार्यवाही करने की इजाजत नहीं देती। कोर्ट को बंद रखना चाहिए, ये राष्ट्रीय सुरक्षा को बाधा पहुंचा रही है। ये क्या बकवास है? मिस्टर रसल, मुझे लगता है आपको कोर्ट को इस बात की सफाई देनी चाहिए। योर ऑनर, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि मिस्टर मगोई होश में आ गए हैं। मिस्टर मगोई ने कहा है कि वो आत्महत्या करने जा रहे थे और मिस्टर ब्रॉडी ने उन्हें रोकना चाहा। तो आगे बोलिए मिस्टर रसल। इसलिए हम लोग ब्रॉडी के खिलाफ लगाए गए सारे इल्जाम खारिज करना चाहते हैं। मिस्टर ब्रॉडी, आपको घर जाने की इजाजत है। केस डिसमिस्ड। मैं बहुत खुश हूं। ओह मिस्टर ब्रॉडी, योर ऑनर, मुझे माफ कीजिएगा कि इस केस के दौरान आपको काफी कुछ झेलना पड़ा। और एक बात मिस्टर रसेल,
मुझे अफसोस है कि मैं डीए के दफ्तर की इंक्वायरी का मौका गंवा बैठा। तो फिर असली फाइल कहाँ है? वही तो बात है। तुमने छुपा दिया? थैंक यू कैप्टन। थैंक यू वेरी मच। चलो घर चले। मेरे बेटे शो तक यह तय नहीं हुआ है कि सेनेटर मगई इस्तीफा देंगे या नहीं, लेकिन खबर यह है कि एफबीआई डायरेक्टर को मिस्टर जेफ्सन हमारे साथ चलिए। अब अगर तुम मुझे सब कुछ नहीं बताओगे तो मैं कैसे उड़ाऊंगा? ठीक है। चलो बताओ कैसे करते हैं। पहले ये, फिर ये। बिल्कुल ठीक, जैसा तुम कहो अब मैं उड़ा पाऊंगा। Thank you. I love you, Dad. I love you, baby. Bye, Mommy. I love you both.